नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। डबरा में मजिस्ट्रेट मनोज गोयल के साथ मारपीट की घटना के बाद मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्वालियर में उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। अभिभाषक संघ ने 200 अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज किए गए प्रकरण को खत्म करने और डबरा के थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आशीष को ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाए कि पुलिस अधिवक्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर रही है। अगर पुलिस किसी अधिवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज करती है तो सबसे पहले अभिभाषक संघ को सूचना दे। ज्ञापन दिया है और विरोध दर्ज इस बात का कराया है कि इसमें ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पुलिस और जुडिशरी के बीच कोई विवाद इस तरह का आए, और इससे सोशल और सोसाइटी को, समाज को जो मैसेज जाता है वो भी एक गलत मैसेज जाता है। क्योंकि जब हम लोग ही आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बना के चलेंगे तो समाज में क्या मैसेज जाए। कि एडवोकेट्स पर क्या होता है कि बाथरूम चल नहीं पाता और एकदम ऑफेंस दर्ज हो जाता है। हमने कहा कि साहब हम भी आपके अंग हैं, क्रिमिनल जस्टिस के अंग हैं, तो इसमें कम से कम एक सूचना हमें प्रोवाइड करवा दी जाए कि कोई वकील या अभिभाषक के खिलाफ कोई शिकायत आई है तो हम उस पर देखते हैं। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।